सेवंथ सीबीएसई में आज हम सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नेम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। राइट डाउन हेडिंग, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। पहले हम फ्रैक्शन किसे कहते लिखेंगे। जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और इसे कहते हैं हम डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिलके जो रेडी होता है उसे कहते हैं हम फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं, विच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस आर जिसमें सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं। जिसमें एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन रहता है। पहले होल नंबर रहता है, नंबर रहता है, और उसके आगे फ्रैक्शन रहता है उसे कहते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। पहले वो फ्रैक्शन के बिफोर एक नंबर रहता है उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आया, राइट डाउन फ्रैक्शन किसे कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ये सभी आपको इंफॉर्मेशन बोर्ड पे है, वो आप नोटबुक पे लिख लीजिए। अभी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसा कन्वर्ट करते हैं ये पढ़ने वाले हैं।
हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इंटू प्रॉपर फ्रैक्शन. कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इंटू प्रॉपर फ्रैक्शन. हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इंटू प्रॉपर फ्रैक्शन. ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. कैसा? ये जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज लिखिए. जो डिनोमिनेटर है उसे एज इट इज लिखिए. सेवन और सिक्स का मल्टीप्लीकेशन कीजिए. सेवन सिक्स 42, सेवन सिक्स 42 मल्टीप्लीकेशन कीजिए और उसमें ये 9 ऐड कीजिए. 42 प्लस 9 इज 51. इसका डिनोमिनेटर जो है 7, राइट डाउन एज इट इज. ये 7 और 5 का मल्टीप्लीकेशन कीजिए. 7 5 35 और उसमें 1 ऐड कीजिए, 36. राइट डाउन 7 एज इट इज. मल्टीप्लीकेशन ऑफ 7 and 5, 7 5 35 प्लस 1 इज इक्वल टू 36. राइट डाउन दिस 5 एज इट इज. मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स. 5 8 40 40 प्लस 3 इज 43. तो ये है आपका कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इंटू प्रॉपर फ्रैक्शन. राइट डाउन दिस. अभी ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड इंटू प्रॉपर फ्रैक्शन. इसके आगे देखेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. हाउ टू कन्वर्ट प्रॉपर फ्रैक्शन इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन.
हो गया लिखना। अभी आगे देखिए, कन्वर्ट प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। सपोज 15 डिवाइडेड बाय 7, राइट डाउन 7 IZTs, जो डिनोमिनेटर है वो IZTs लिखिए। 15 को 7 से डिवाइड कीजिए रफ में, 7 टू द 14। वन जो भी डिवीजन आया है वो इस लाइन के आगे लिखिए, और जो भी रिमाइंडर बचा है वो न्यूमरेटर की जगह लिखिए। थर्टी डिवाइडेड बाय 11, ये डिनोमिनेटर हम लिखेंगे एज इट इज, ये 30 को 11 से हम रफ में डिवाइड करेंगे। 11 टू 22, 30 माइनस 22 इज 8। जो भी आपका डिवीजन आया है इस लाइन के आगे लिखिए, और जो भी रिमाइंडर बचा है वो यहां पे न्यूमरेटर पे लिखिए। Seventeen divided by 5, ये जो डिनोमिनेटर है 5, राइट डाउन एज इट इज, और इस 17 को 5 से डिवाइड कीजिए रफ में। 5 3 15, जो भी डिवीजन आया है उस डिवीजन को इस लाइन के आगे लिखिए, और जो भी रिमाइंडर बचा है वो यहां पे न्यूमरेटर पे लिखिए। दिस इज अबाउट कन्वर्ट द प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। राइट डाउन।